नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें स्टॉक मार्केट्स का हाल। दो मिनट में आपको देते हैं 5,000 कंपनीज की खबर जो लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो देखिए, आज जो मार्केट्स हैं मतलब फ्लैट ही हैं, लगभग वही 35 पॉइंट्स डाउन है। आपको रेड दिख रहा है लेकिन बड़ा मामूली सा रेड है, तो कोई उसमें खास बात नहीं है। लेकिन आज क्या है कि आज जो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं उन्होंने आज इंडेक्स को बचाया है। तो कंज्यूमर स्टॉक्स आप जानते हैं, जैसे आपके सामने आ रहा है एशियन पेंट्स, और बड़ी पेंट्स कंपनी आप जानते हैं कि इनका एक तरीके से बिल्कुल डोमिनेट करती हैं पेंट इंडस्ट्री को। तो इंडेक्स जो सेंसेक्स के स्टॉक्स हैं उसमें टॉप गेनर है एशियन पेंट्स, 3% से ज़्यादा आज बढ़ा हुआ स्टॉक। उसके साथ ही इनको कंपनी दी है दूसरे बड़े कंज्यूमर कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। आप जानते हैं वो पूरी दुनिया जहान के फूड और आपका जो डिटर्जेंट्स है, होम केयर वाले सारे प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर, बहुत पॉपुलर नेम है, एक एंग्लो डच मल्टीनेशनल है। तो ये आज 2% से ज़्यादा। तो ये दोनों एशियन पेंट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर ये सेंसेक्स में टॉप परफॉर्मर्स रहे। और आज गाड़ी कहाँ धीमी हुई है, देखिए बड़ा स्टॉक आपके सामने लार्सन एंड टूब्रो इंडिया की चैम्पियन कंपनी कैपिटल गुड्स में। तो ये स्टॉक जो ज़्यादा ऊपर नीचे कम होता है, ये आज देखिए आपके सामने 5% से ज़्यादा डाउन है। तो कुछ तो रिजल्ट्स का असर है, कुछ एक उनका एक लीडरशिप चेंज कल हुआ था, तो 5% से ज़्यादा डाउन बड़ा स्टॉक लार्सन एंड टूब्रो इंडेक्स का स्टॉक है। और देखिए आपके सामने बड़ा लूजर ला रहे हैं बड़ी फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। आप जब दवाइयाँ खाते हैं तो आप कभी चेक कीजिएगा इन कंपनीज का नाम पीछे लिखा होता है, तो आपने कई बार डॉक्टर रेड्डीज की मेडिसिन या कोई सिरप वगैरह, इनकी काफ़ी चीज़ें आती हैं मेडिसिन, वो आपने यूज़ किए होंगे। तो लगभग 7% डाउन है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, मेजर फार्मा कंपनी, और इनके रिजल्ट शायद इतने अच्छे नहीं आए हैं, तो उसके चलते ये रिएक्शन आया। अगर हम स्मॉल कैप स्टॉक्स की आज बात करें जिनमें सर्किट लग रहा है, सर्किट मतलब टॉप मोस्ट पोजिशन, किर्लोस्कर ब्रदर्स पुणे की बड़ी कंपनी कैपिटल गुड्स में 20% का सर्किट लगा है रिजल्ट के बाद। वैसे ही हम आपको बता दें फार्मा कंपनी न्यूलैंड लेबोरेटरीज, इसमें भी सर्किट लगा है ऊपर का 20%, मतलब कोई सेलर नहीं है इसमें, सिर्फ बायर्स 20% का सर्किट लगा है। एक स्टॉक हम आपको फ्लैग कर दें, मैनकाइंड फार्मा। ये देखिए, ये इसका आईपीओ अभी आया था और कंपनी लिस्टिंग हुई है एक दो दिन पहले, और आज सुबह खबर थी कि इनके ऊपर इनकम टैक्स की सर्चेज हुई हैं, तो स्टॉक ने थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन दिया है मैनकाइंड फार्मा ने। तो आज मार्केट लगभग फ्लैट और कंज्यूमर स्टॉक्स ने आज डोमिनेट किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे चाहते हैं इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय फॉर नाउ।